लास्ट लेक्चर वी एंडेड विद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्केड्यूल। इन केस वी आर एग्जीक्यूटिंग द ट्रांसैक्शंस लीनियरली और एग्जीक्यूटिंग द ट्रांसैक्शंस कंकरेंटली, दैट मींस इन एन ओवरलैप मैनर। इफ वी आर एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल ट्रांसैक्शंस देन देयर इज अ स्केड्यूल। स्केड्यूल मींस इन विच ऑर्डर वी आर एग्जीक्यूटिंग द ईच इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसैक्शंस। सो दिस इज वन एग्जाम्पल विद विच वी एंडेड द लास्ट लेक्चर। इन दिस व्हाट हैपन्स इज दैट देयर आर टू ट्रांसैक्शंस, दैट इज ट्रांसैक्शन वन एंड ट्रांसैक्शन टू। एज यू कैन सी, इफ आई लुक एट द स्केड्यूल ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ टू ट्रांसैक्शंस, देन ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रांसैक्शन वन आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रांसैक्शन टू आर एग्जीक्यूटेड एट अ लेटर स्टेज। सच अ स्केड्यूल इज कॉल्ड अ सीरियल स्केड्यूल, वन थिंग। सेकेंड थिंग, इफ वी एग्जीक्यूट the transactions using the serial schedule, then one thing is granted that there will be no conflicts and the database will always be in an consistent state, right? So अगर हम सीरियल को ही फॉलो करेंगे, यानी पहले सभी के सभी ऑपरेशन टी वन के, देन सभी के सभी ऑपरेशन टी टू के, देन ऑब्वियसली देयर वोंट बी एनी इंटरफेयरिंग बाय द ट्रांसैक्शंस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर ट्रांसैक्शंस, एंड दे विल बी रीडिंग द कंसिस्टेंट एंड राइटिंग द कंसिस्टेंट वैल्यूज ऑफ द ऑपरेशंस, राइट? बट डू आई प्रेफर अ सीरियल स्केड्यूल? द आंसर इज नो, because my processing power has increased so much, the systems that I am having are so powerful, I want to keep my system busy. I don't want my system to stay idle. So that is why I want concurrent execution. What is concurrent execution? Concurrent execution means that the operations of transaction one, two, or three, they are executed in an overlap manner in such a way that my system is kept busy and all resources are fully utilized. Okay, so this is an example of what is a serial schedule. This is another example of a serial schedule in which the transaction T2 is executed first, which is then followed by T1. पिछले में क्या था? T1 was followed by T2, and in this case T1 इज फॉलोड बाय T2, सो उल्टा हो जाता है, लेकिन है ये सीरियल स्केड्यूल ही। द रीजन बीइंग दैट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वन ट्रांसैक्शन आर ऑल कंप्लीटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अदर ट्रांसैक्शन। सो लेट्स मूव इवन फर्दर। नाउ दिस इज कंकरेंट एग्जीक्यूशन। ये आपकी एक कंकरेंट एग्जीक्यूशन है जिसमें ओवरलैप एग्जीक्यूशन चल रहा है। दैट मींस T1 के ऑपरेशंस चल रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, और बीच में ही हमने T2 के भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट स्टार्ट करनी शुरू कर दी हैं। सो बोथ दीज ट्रांसैक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली इन एन ओवरलैप मैनर। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इट वॉन्ट्स टू से, द ऑथर वॉन्ट्स टू से दैट ये जो स्केड्यूल आया है इज नॉट अ सीरियल स्केड्यूल, इट इज अ कंकरेंट स्केड्यूल, बट इट इज एक्विवेलेंट टू द स्केड्यूल वन। अगर आप स्केड्यूल वन की बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा था, सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें हम सबसे पहले ये एग्जीक्यूशन करते थे और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करते थे। सो दैट मीन्स ऑल दीज वर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, then at number three we were executing this and followed by this. तो अब ordering में change क्या हो गया है? Second and the third operations have been swapped. In this concurrent execution, this has become two and this has become
3. So this is the swapping of the instruction order. ऑर्डर को स्वैप कर दिया गया है जिसमें एग्जीक्यूट होना है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या इससे मेरे फाइनल आउटपुट के अंदर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जब पहले हम लोग एग्जीक्यूट करते थे ये सभी ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि जब हम लोग ए की वैल्यू को लिख लेते हैं देन द अदर ट्रांजैक्शन शुड रीड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहां पर हमने ए की वैल्यू को राइट कर दिया है एंड देन ओनली द ट्रांजैक्शन 2 इज रीडिंग द वैल्यू ऑफ ए। दैट मींस इट इज रीडिंग द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर द ट्रांजैक्शन 1 हैज रिटन द वैल्यू ऑफ ए। सिमिलरली अगर आप यहां पर भी ध्यान देते हैं तो यहां पर भी इक्वलेंसी है, बिकॉज whatever value we are writing for b it is being read by b। to main aapko dobara yahan par likh deta hu site par, ye hai transaction 1 and this is transaction 2। isme jo hum log a ki value ko write karte hain to that value is being read by t2 and also the value that we are writing in b is being read by b। ye aap dekh sakte hain yahan par, here and here। So if I want to, let's go back to the your previous example, the serial schedule। यहाँ पर आप serial schedule यहाँ पर देख सकते हैं और इस serial schedule में भी exactly यही चीज जो है वो बताई गई है। Whatever we are writing in A, whatever we are writing in A is being read by ट्रांसैक्शन 2, यानी पहले राइट और फिर रीड। एग्जैक्टली, और उसी तरह से व्हाट एवर वी आर राइटिंग इन बी इज बीइंग रेड इन बी। तो इवन दो द नेक्स्ट स्केड्यूल विच इज नॉट अ सीरियल स्केड्यूल बट इट इज अ कंकरेंट स्केड्यूल एंड ओवरलैप्ड एग्जीक्यूशन हो रहा है, इवन देन you can observe that it is equivalent to the schedule 1 because it does not affect the final outcome of the transactions। jo do humne transactions karni thi uski final outcome ke upar affect nahi pad raha hai। okay, so let's move further। the following concurrent schedule does not preserve the value of a and b। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि दिस इज ऑल्सो अ कंकरेंट स्केड्यूल जिसके अंदर कुछ ट्रांसैक्शंस को फिर से हमने स्वैप किया है, लेकिन दिस इज नॉट इक्वलेंट टू द सीरियल स्केड्यूल। उसको समझना पड़ेगा क्यों, बिकॉज दिस राइट ऑपरेशन, ये जो आप राइट ऑपरेशन देख रहे हैं ये पहले यहां पर था एंड इट हैज बीन शिफ्टेड डाउन। तो हम पहले बात करते हैं कि ओल्ड स्केड्यूल या आपके सीरियल स्केड्यूल में क्या हो रहा था। हमारे सीरियल स्केड्यूल में यह हो रहा था कि व्हाट एवर वी वर राइटिंग इनटू ए वाज बीइंग रेड बाय द सेकंड ट्रांसैक्शन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर उल्टा हो गया है, दैट मींस द ट्रांसैक्शन 2 इज रीडिंग द वैल्यू एंड आफ्टर दैट वी आर राइटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन ट्रांसैक्शन। So that means the serial schedule does not preserve the value of A and B, and there is some kind of change in the order of read and write। यहां पर read पहले हो गया A का, जबकि उसको read करना था the value which is written by transaction 1। अब ये उल्टा हो गया है, सिर्फ इसलिए उल्टा हो गया है क्योंकि हमने एक transaction को नीचे उठाकर डाल दिया है। दूसरी बात क्या है, अगर मैं पिछला स्केड्यूल देखता हूं तो उसमें ट्रांसैक्शन 1 वुड रीड द वैल्यू ऑफ बी फर्स्ट एंड देन द ट्रांसैक्शन टी 2 वुड रीड द वैल्यू ऑफ बी। लेकिन ये जो रीड बी था वो भी शिफ्ट हो गया है यहां से यहां पर, वो पहले नीचे था एंड इट हैज बीन शिफ्टेड अबव। तो इसमें क्या हुआ है, दैट मींस वी आर रीडिंग द वैल्यू ऑफ बी बिफोर इट इज बीइंग रिटन बाय ट्रांसैक्शन 1,
which means that again the order of B has also been changed. That means this type of reordering or this type of schedule is not acceptable. It is not acceptable. And why it is not acceptable? Because it does not maintain the serial schedule, or it is not equivalent to the serial schedule. सीरियल स्केड्यूल की जो एक ऑर्डर है उसको चेंज किया गया है, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस को ऊपर नीचे करेंगे देन वी आर गोइंग टू लैंड इन ट्रबल बिकॉज द फाइनल वैल्यू दैट वी वर एक्सपेक्टिंग विल नॉट बी द सेम. एंड हैंस While converting a serial schedule into a concurrent schedule, we must ensure that the final result is not compromised. That means it should be equivalent to the serial schedule that we have. ठीक है? So let us move towards our next topic, which is known as serializability. Now, this is a very important topic, serializability. What does the serializability say? बेसिक असम्पशन क्या है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कीजिए मगर एक चीज को एंश्योर कीजिए दैट द डेटाबेस ऑलवेज इज इन द कंसिस्टेंट स्टेट, यानी ट्रांजैक्शन डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को या उसकी आउटपुट को अफेक्ट नहीं करती है. और हमें एक चीज पहले से ही क्लियर है दैट द सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑलवेज प्रिजर्व द डाटाबेस कंसिस्टेंसी. इवन दो द परफॉर्मेंस इज वेरी बैड बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी. बट वट वी वॉन्ट टू मेक कंकरेंट स्केड्यूल्स. हम क्या बनाना चाहते हैं? करंट स्केड्यूल्स बनाना चाहते हैं. क्यों बनाना चाहते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस विच इज लैकिंग इन केस ऑफ सीरियल स्केड्यूल. लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन वी कन्वर्ट अ सीरियल स्केड्यूल इनटू अ कंकरेंट स्केड्यूल द सीरियलाइजेबिलिटी इज मेंटेन्ड. नाउ व्हाट इज सीरियलाइजेबिलिटी? या एक स्केड्यूल दूसरे स्केड्यूल के सीरियलाइजेबल कब है? फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव एस एंड वी हैव एस डैश, दिस इज अ सीरियल स्केड्यूल एंड दिस इज अ कंकरेंट स्केड्यूल. ओके, तो हम लोग सीरियलाइजेबल किसको बोलते हैं? वी कॉल द टू स्केड्यूल्स और वन स्केड्यूल एज सीरियलाइजेबल इफ इट इज इक्वलेंट टू द सीरियल स्केड्यूल. यानी मैं कहूंगा कि एस वन इज सीरियलाइजेबल टू एस इफ एंड ओनली इफ एस वन इज इक्वलेंट टू एस. सो वट इज एस वन? एस डैश इट इज कंकरेंट स्केड्यूल एंड एस इज अ सीरियल स्केड्यूल. आई से दैट एस वन इज सीरियलाइजेबल टू एस इफ एंड ओनली इफ एस डैश इज इक्वलेंट टू एस. एंड वट इज इक्वलेंसी? इक्वलेंसी मीन्स दैट the consistency is maintained and the output is same. The output, the final result should not be different and it should be equal to the serial schedule. But how do I maintain this? How do I ensure that कि जब मैं एक schedule को concurrent बनाता हूं from a serial schedule, it is equivalent to the सीरियल स्केड्यूल. उसके लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं. वन इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड वन इज कॉल्ड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. आप इन दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं टू चेक वेदर द कंकरेंट स्केड्यूल इज सीरियलाइजेबल टू द सीरियल स्केड्यूल. यानी दोनों जो स्केड्यूल्स हैं वो इक्वलेंट हैं. And there will be no problem if I execute a serial schedule by converting it into a concurrent schedule. So
तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि सीरियलाइजेबिलिटी क्या है। सीरियलाइजेबिलिटी ये चेक करती है वेदर अ कंकरेंट स्केड्यूल इज इक्वलेंट टू अ सीरियल स्केड्यूल और नॉट, विच मीन्स दैट बोथ ऑफ देम शुड गिव द सेम आउट। So we, what is the simplified view of the transactions? अगर हम बहुत easily एक transaction की serializability को समझना चाहते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में देना होगा। जो हम लोग normal छोटे मोटे a is equals to a plus b, a is equals to a minus b ऐसी सभी instructions को ignore कर सकते हैं, हमारा focus सिर्फ दो operations के ऊपर होगा, read and because these are very important। आप कौन सी वैल्यू को रीड कर रहे हो, आप कौन सी वैल्यू को राइट कर रहे हो, दैट मीन्स अवर फोकस इज ओनली ऑन दीज टू इंस्ट्रक्शंस एंड बाकी जो है दे आर जस्ट द आर्बिट्री कंप्यूटेशंस दैट वी परफॉर्म ऑन द डेटा। ठीक है, अवर सिंप्लीफाइड स्केड्यूल विल कंसिस्ट ऑफ ओनली रीड एंड राइट। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे हमारा ट्रांसैक्शन वन क्या था, रीड ए, उसके बाद था ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 50, देन राइट ए, देन रीड ए, सॉरी रीड बी, देन बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 50 एंड देन वी सेड राइट बी। तो वो कहना क्या चाहता है, दैट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी वांट टू चेक whether the two schedules are serial or not। हमारे लिए कौन मायने रखता है, सिर्फ read and write। तो हम लोग इसका simplified view क्या बनाएंगे, read A, write A, read B and write B। So our focus is only and only on the two types of operations which are called read and write। इसका meaning क्या है, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। वन इज कॉल्ड रीड आइटम, वन इज कॉल्ड मॉडिफाई आइटम एंड द थर्ड इज कॉल्ड द राइट आइटम। सो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन रीड एंड राइट एंड वी हैव नथिंग टू डू विद द मॉडिफाई आइटम when we are checking the serializability or equivalence of two schedules। अभी तक तो हमने कोई examples भी नहीं किए हैं, we are simply trying to understand what is equivalent schedules। So now we are moving towards the conflict equivalency। क्या होती है conflicting instructions, क्या होती है कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंसी जो होती है, हम उसमें चेक करते हैं कि वेदर देयर आर एनी कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस और नॉट। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस आती हैं, देन वी से दैट वी हैव अ प्रॉब्लम इन हैंड। वी वर डिस्कसिंग दैट अ कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को हमने आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस हैं या दो इंस्ट्रक्शंस हैं, वन इज कॉल्ड आई, इंस्ट्रक्शन आई एंड इंस्ट्रक्शन जे। तो हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन आई और इंस्ट्रक्शन जे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन आई बिलोंग्स टू टी आई ट्रांसैक्शन एंड इंस्ट्रक्शन जे बिलोंग्स टू टी जे ट्रांसैक्शन। तो हम ये कहते हैं कि द इंस्ट्रक्शंस आर कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम क्यू एक्सेस्ड बाय बोथ आई एंड जे। तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट तो तब आएगी इफ वी आर वर्किंग ऑन सम कॉमन डेटा। जैसे पिछले एग्जांपल में मान लीजिए ट्रांसैक्शन ए जो है वो ट्रांसैक्शन वन जो है वो ए के ऊपर काम कर रही है और बी के ऊपर काम कर रही है और ट्रांसैक्शन टू जो है वो सी के ऊपर काम कर रही है और डी डी के ऊपर काम कर रही है।
तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है ना, इसमें कैसा इशू आ सकता है? ये अलग डेटा सेट के ऊपर काम कर रहा है, ये अलग डेटा सेट के ऊपर काम कर रहा है, आप किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूशन कीजिए, फर्क तो पड़ने वाला ही नहीं है, बिकॉज द टू ट्रांजेक्शन आर नॉट शेयरिंग सम डेटा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है व्हेन बोथ द ट्रांजेक्शन आर वर्किंग ऑन द सेम डेटा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आई इंस्ट्रक्शन आई विच बिलोंग्स टू ट्रांजेक्शन टी आई एंड आई जे विच बिलोंग्स टू टी जे आर कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट दैट दे बोथ आर वर्किंग ऑन सम कॉमन डेटा एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म द राइट ऑपरेशन ऑन क्यू। दे बोथ शुड वर्क ऑन सेम कॉमन डेटाबेस कॉमन डेटा एंड देयर शुड बी वन राइट ऑपरेशन फ्रॉम आइदर टी आई और टी जे। अब यहां ध्यान से देखिए, इंस्ट्रक्शन वन में क्या हो रहा है और इंस्ट्रक्शन जे में क्या हो रहा है कि दोनों रीड कर रहे हैं। रीड जो जितने मर्जी करते जाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा है चाहे उसको 5 यानी रीड करें या 10 यानी रीड करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि देख कर आओ कि बाहर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट रेट। आप सब जाकर रीड कर रहे हैं, कोई भी उस पर राइटिंग नहीं कर रहा है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है व्हेन द राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म। या एक इंस्ट्रक्शन राइट कर रही है या दोनों की दोनों राइट कर रही है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मैंने एज अ ट्रांसैक्शन वन एंड ट्रांसैक्शन टू, ट्रांसैक्शन वन ने कोई वैल्यू रीड की जो इसने बाद में चेंज कर दी, तो इसका मतलब मैं तो वो वाली वैल्यू रीड की हुई है जिसको अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ टी वन ने राइट कर दिया है और टी टू रीड कर रहा है। अब इसको रीड करना था पहले, लेकिन गड़बड़ क्या होगी भाई, इसने पहले राइट कर दिया, मुझे पहले रीड करना था लेकिन इसने पहले राइट कर दिया, इसका मतलब मैं गलत वैल्यू को रीड कर रहा हूं। और तीसरा क्या हो सकता है, जब दोनों राइट कर रहे हैं फाइनल आउटपुट जो है वो T2 को देना था और उससे पहले T1 ने लिखना था, यानी T1 ने पहले राइट करना था और फाइनल वैल्यू T2 ने लिखनी थी, लेकिन उल्टा हो गया, T2 ने अपना राइट ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर दिया और T1 ने अपना राइट ऑपरेशन बाद में परफॉर्म किया। वो क्यों? बिकॉज दे बोथ वर एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली। अब मेरा फाइनल आउटपुट गड़बड़ आ गया। वाई? बिकॉज जो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए थी अब वो फाइनल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट आती कब है? कॉन्फ्लिक्ट आती है जब आप किसी कॉमन डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं प्लस वन ऑफ द टू इंस्ट्रक्शंस इज परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन। इन केस इफ दे बोथ आर वर्किंग ऑन द सेम डेटा बट नन ऑफ देम इज परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकती है। इंट्यूटिवली अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आई एंड जे फोर्सेस अ टेम्पोरल ऑर्डर बिटवीन देम। तो हमें कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। इफ आई एंड जे आर कंसेक्यूटिव इन अ शेड्यूल एंड दे डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट देयर रिजल्ट वुड रिमेन द सेम इवन इफ दे हैव बीन इंटरचेंज। अगर वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं तो अगर हम उनको ऊपर नीचे कर भी देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में हैं, इफ दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग, तो मैं उनको ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूं। राइट, सो लेट अस मूव टूवर्ड्स। इफ अ स्केड्यूल एस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू S1, अगर मेरे को एक स्केड्यूल दिया गया है, सीरियल स्केड्यूल दिया गया है S1, और मैं उसको एक कंकरेंट स्केड्यूल S1 में कन्वर्ट कर सकता हूं, देन वी से दैट बोथ S एंड S1 आर कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। ओके, वी से दैट द शेड्यूल S इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सीरियल स्केड्यूल। तो अगर मैंने S को कन्वर्ट कर दिया है S1 में और वो कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करता है, देन वी कॉल दीज आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल।
Now let's move even further. This is the last slide that we are going to do. Iske baad, I think there will be too much of confusion to handle. So this is what we are going to end up with. So there you can see that we are given a schedule on the right hand side, which is called the schedule 6. Thoda sa dhyan dena hai. This is our schedule 6, which we can consider it to be S because this is a serial schedule. ये हमारा कौन सा schedule है? ये serial schedule है. इसको मैं serial क्यों बोल रहा हूँ? Because you can see that all the operations of T1 are being executed before the any of the operation of T2 is started. सबसे पहले T1 को finish किया और फिर T2 को start किया. Now the one we have on the left hand side, which is known as schedule 3. In case if any of the student has any questions to ask, please ask your questions in the chat window. I will come back to those questions. Now this is called the schedule S1, which is known as the concurrent schedule. ठीक है, अब हमें check क्या करना है, whether they both are equivalent or not. ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर. देखिए यहाँ पर read हो रहा है, यहाँ पर read हो रहा है, लेकिन problem है, because यहाँ पर मैं value को write कर रहा हूँ और B के अंदर भी write operation involved है और यहाँ पर भी write है और यहाँ पर भी write है, तो writing हो रही है. तो इसका मतलब क्या है? That means there is you can say things that we need to consider. तो considering क्या है? Considering ये है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि whatever I am writing in A, जो भी मैं A में write करूँगा, that has to be read by the transaction. This is our first problem that we are discussing. Second is whatever I am writing in B, that has to be read by the second transaction. So obviously there is a conflict, and what we should maintain is that the read operation in transaction 2 should always come after the write on A. अब आप ध्यान से देखिए, the same schedule has been converted into a concurrent schedule. इसको convert कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर चार instructions इसकी थी, चार इसकी थी, लेकिन अब हमने break करके दो-दो कर दी हैं. लेकिन क्या ये conflict आती है जहाँ पर उसके order को maintain करता है या नहीं करता है? तो conflict किसके बीच में आ रही थी? Write A and रीड ए के बीच में, यानी सबसे पहले राइट ए ऑपरेशन होना चाहिए T1 का और उसके बाद रीड ए होना चाहिए था T2 का. तो क्या ये इस स्केड्यूल में भी मेंटेन्ड है या नहीं है? तो आप देख सकते हैं राइट इज बीइंग परफॉर्म्ड बिफोर रीड, तो बढ़िया है. लेट्स मूव टू द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन ये थी कि द राइट ऑपरेशन ऑन बी should come before the read operation in the second. तो क्या वो भी maintained है? बिल्कुल maintained है. Write is happening before the read. So that means these two schedules are called conflict equivalent because we have ensured that जहां पर conflict आ रहा था, हमने उन transactions को ऊपर नीचे नहीं किया है. तो क्या मैं कन्वर्जन के थ्रू आपको एक ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें इक्वलेंसी नहीं है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट अस सपोज आई से रीड ए, बट मैं राइट को यहां से हटाकर यहां पर कर देता हूं. तो अब आप ध्यान से देखिए, ये राइट को मैं शिफ्ट करके नीचे ले गया हूं. तो अब मुझे चेक करना है कि क्या S और S1 कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं. तो सबसे पहले मैंने यहां देखा कि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द राइट ऑपरेशन ऑफ A एंड रीड ऑफ A. पहले क्या आना चाहिए था? ट्रांजैक्शन 1 का राइट,
एंड देन आना चाहिए था ट्रांसैक्शन टू का रीड। लेकिन जब मैंने इसका कंकरेंट स्केड्यूल बनाया तो मैंने देखा कि ट्रांसैक्शन टू का रीड पहले आ रहा है और राइट बाद में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस एंड द ऑर्डर ऑफ द कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैज बीन चेंज, विच इज नॉट अलाउड। यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विच आर कंफ्लिक्टिंग। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विच आर नॉट कंफ्लिक्टिंग। सो दिस इज द एंड ऑफ द टूडेज लेक्चर इन विच वी ट्राइड टू डिस्कस व्हाट इज कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड इक्वलेंसी। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन वेट टिल द नेक्स्ट लेक्चर और यू कैन